आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में संलग्न होंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की जो सूचनाएं हैं वो अपने भाई बहनों के लिए सार्थक प्रयत्नों के माध्यम से अधिकारियों तक पहुँच करके, जनप्रतिनिधियों तक पहुँच करके एकत्रित की जाती हैं। उनसे वार्ता करने के उपरांत ही जो जानकारियाँ मिलती हैं उन्हीं के माध्यम से आप सभी लोगों को अपडेट दी जाती हैं। तो आप सभी लोगों से एक विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर सकते हो शेयर भी कर दें, क्योंकि आप सभी लोगों की एकता ही हम सभी लोगों का मनोबल है। ठीक है ना? जितना अधिक आप लोग एकजुट होंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से हम सभी लोग कार्य कर पाते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए और चैनल को शेयर जरूर किया करिए। ठीक है? आपके सहयोग और आशीर्वाद की परम अपेक्षाएं हैं। और जितने भी टीम के सदस्य होते हैं, जाहिर सी बात है वो अपने लिए कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी डिसीजन होता है, कोई भी कार्य होता है, तो कोई एक व्यक्ति उससे लाभान्वित नहीं होगा, उससे लाखों लाख विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। तो आप लोग जितने भी सदस्यों को जानते हो, आप लोग वीडियो के स्टूडेंट को वीडियोस अवश्य शेयर किया करिए और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहा करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। अगर आप सभी लोगों को कोई एग्ज़ाम देना है, अगर आप नोट्स की तलाश में हैं कि हम क्या पढ़ें, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 8 3032 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? और आप सभी लोग जो TGT PGT के हमारे भाई बंधु हैं, जो 2016 या 2021 की TGT PGT परीक्षा में बैठे हैं, ऐसे विद्यार्थी अगर किसी भी तरीके से असंतुष्ट हैं या उन्हें एक आध मौका चाहिए, तो आप हमारी याचिका से जुड़ करके याची लाभ के लिए एक सतर्क और एक सशक्त माध्यम अपना सकते हैं, क्योंकि इस याचिका के माध्यम से 2016 और 2021 के तमाम उन विद्यार्थियों का, उन भाई बहनों का कल्याण होने चल रहा है, जिसके माध्यम से उनके रिजल्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियाँ हो गई थी। ठीक है ना? जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे उन विद्यार्थियों के लिए एक ब्रह्मास्त्र के रूप में सामने आया है। अगर आपको भी हमारी याचिका से जुड़नी है तो आप सभी लोग 8 3032 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। आज एक बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन है आपके कौशाम्बी और कानपुर नगर में। ठीक है ना? और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आज सिर्फ यहीं दो जिलों में नहीं, अपितु कुशीनगर, जौनपुर, संत रविदास नगर, लखनऊ, बस्ती, रायबरेली आदि जिलों में भी विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन है। और वहाँ के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन आदि देने की जो कार्यप्रणाली हम लोगों की स्टार्ट हुई है कि एक दिन में नहीं, कम से कम तो 156 लोगों को भेजना है। ठीक है ना? और दबाव इस चीज़ को लेकर के है, क्योंकि सूचना प्राप्त हो गई है कि संसद का जो विशेष सत्र है वो 21 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है ना? और इसके लिए हम लोगों का दिल्ली चलो अभियान जो है वो पूरी तरीके से इस समय चरमोत्कर्ष पे है। और हम सभी लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी जितने अधिक संख्या में एकजुट रहेंगे, जितने अधिक संख्या में प्रमोट करेंगे स्वयं को भी और हम लोगों को भी, जाहिर सी बात है उतना ही बेहतरीन कार्य आप सभी लोगों के PRT के भविष्य को लेकर के हो पाएगा। ये जो आज हमने सुबह का थंबनेल लगाया था, उसमें जो आप सभी लोगों को एक विज्ञप्ति, एक लेटर दिख रहा है, वो मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से BEd विद्यार्थियों को जो है प्रेषित किया गया, मतलब उनके लिए प्रेषित किया गया NCT और MHRD के लिए पत्र है। ठीक है ना? सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि उस पत्र का जवाब NCT और MHRD ने इनको दे भी दिया है, अर्थात उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से BEd के विद्यार्थी बिल्कुल भी बाहर नहीं किए जाएंगे। अभी तो ये चलिए फौरी राहत है, लेकिन हमें परमानेंटली इसका सोल्यूशन चाहिए। ठीक है ना? और तब तक ये कोर्ट में विवाद शांत नहीं होंगे, तब तक मुद्दे सॉल्व नहीं होंगे, जब तक कि NCT अपनी रिवाइज्ड गाइडलाइन नहीं जारी कर देती। NCT के प्रमुख से कुछ विद्यार्थियों ने आज की तारीख में मुलाकात की है और उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि रिवाइज्ड गाइडलाइन हमारी बन चुकी है। BEd के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हेतु हम सभी लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला है, और यदि पूरी तरीके से BEd के विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित करना है तो वो पूरा मुद्दा केंद्र सरकार और MHRD के पास है, और जो चीज़ें वो हमें दिशा निर्देश जारी करेंगे, क्योंकि उन्होंने रिवाइज्ड गाइडलाइन या किसी भी प्रकार का
जो है अनुमोदक पत्र जारी करने से साफ साफ अभी मना कर दिया है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को जो 45 दिन की समय सीमा दी गई थी, वो 45 दिन की समय सीमा आप सभी लोगों की वो 10 तारीख 10 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। उसी के बीच में, क्योंकि बहुत सारे राज्यों का ये कहना है कि आप एक गाइडलाइन जारी करें ताकि हमारे यहाँ की चल रही भर्ती प्रक्रियाएँ, हमारे यहाँ होने वाले TET एग्ज़ाम, हमारे यहाँ होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्तियाँ, वो सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के जैसे पूर्ववत चलती आई हैं 5 वर्षों में, वैसे ही चलती रहें, ठीक है ना। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के कार्यप्रणालियाँ तेज की जा रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मंडे और ट्यूसडे तक विस्तृत बेंच में याचिका भी फाइल होने चल रही है, ठीक है ना। और इसमें हम सभी लोग एक ट्रीटमेंट याचिका, जो मतलब आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि हमें भाई अचानक से बीएड विद्यार्थियों को इनवैलिड कर देना, जो कि कोर्सेज NCTE ने वैलिड किया है ना। विद्यार्थी जो इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाला मुद्दा भी रखा जाएगा कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, और हाई कोर्ट का वो आदेश भी रखा जाएगा जिसमें BTech के विद्यार्थियों को स्नातक की कैटेगरी में सम्मिलित किया गया था और उनको DLED BTC और BEd करने के लिए अर्ह बताया गया था। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने पूरा डिसीजन बना लिया है, पूरा रणनीति बना ली है कि कब किन मुद्दों पर चोट करनी है, ठीक है ना। आप सभी लोगों के सहयोगात्मक रवैये से ही ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी। तो जितनी अधिक संख्या में आप सभी लोग वीडियोस को प्रमोट करेंगे, चैनल को प्रमोट करेंगे, उतना ही लंबा उत्साह हम सभी लोगों का बढ़ेगा। अभी तो ये शुरुआती रुझान है, पहले पूरा परिणाम तो आने दीजिए महाराज, फिर देखिएगा, ठीक है ना। जो अभी तक हम लोगों के मन में निराशा का वातावरण था, अब वो सकारात्मकता की तरफ मुड़ चुका है, क्योंकि जब से BPSC के रिजल्ट का डेट का अनाउंसमेंट हुआ था, बहुत से विद्यार्थी निराश हो गए थे, ठीक है ना। अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में BPSC के तरफ से भी एक याचिका है ना, वो याचिका हम लोगों के भी माध्यम से डाली गई और बिहार गवर्नमेंट को उसमें पार्टी बनाया गया। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि महाधिवक्ता वहाँ पे इस मुद्दे पर बहस रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, और NCTE का वो पत्र जारी करेंगे, मतलब वो पत्र दिखाएंगे कि हमें अनुमति दी गई, और पूरा अपना डिटेल वहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उसमें पार्टी नहीं बनाया गया था कृष्ण भगवान की याचिका में, है ना, जो भगवान कृष्ण की याचिका पड़ी थी जिसपे विस्तृत जो है मतलब आदेश आया था आपके ट्रिपल बेंच का, उस पर बिहार गवर्नमेंट वहाँ पे पार्टी नहीं थी, और उन्होंने इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, ठीक है। और इसके संबंध में उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे कि बिहार गवर्नमेंट से अपेक्षाएँ हैं कि वो हमारे 11 तारीख के आदेश को जो लागू करेंगे। तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से भी ये चीज़ें कह के दी गई थी कि हम इसमें पार्टी नहीं थे, हमारा तो पक्ष ही नहीं सुना गया, हमारी तो बातें ही नहीं सुनी गई, है ना। जब हमारा पक्ष ही नहीं सुना गया, हमारी बातें नहीं सुनी गई, और NCTE ने अभी तक ऐसी कोई संशोधित गाइडलाइन भी नहीं दी है हमको कि हम इस तरीके से उस पर आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा MHRD के पास चला गया, और MHRD को जब लेटर लिखा गया तो इनको जवाब भी मिल गया कि ठीक है, आप योग्यताएँ शिथिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि इनकी संख्या, मतलब बीएड विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 3,38,00,000 है, और 70,00,000 से अधिक बीएड बेरोजगार इसमें अध्ययनरत हैं, मतलब कोर्सेज में अध्ययनरत हैं। अब आप स्वयं समझ लीजिए, इतनी बड़ी संख्या पे 1,00,00,000 विद्यार्थियों पर 3,50,00,000 विद्यार्थियों को तो कुर्बान नहीं किया जा सकता ना, है ना। अब बहुत से राज्यों ने आप सभी लोगों का पक्ष भी लिया है, बहुत से राज्यों ने मांग की है कि बीएड विद्यार्थियों को PRT में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि इट्स अ मैटर ओनली फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये मुद्दा एकदम साल्व है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों के उत्साह से हम लोगों में भी एक गजब का उत्साह तैर पड़ता है। तो आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, सहयोगात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा, अधिक से अधिक लोगों में वीडियो शेयर करने पड़ेंगे, हमारी बातों को उन आखिरी अभ्यर्थियों तक पहुंचाना है जो कि कहीं ना कहीं बीएड एजुकेशन से रिलेटेड हैं। मैंने आज कुछ चीज़ों को देखा है, मन बहुत उद्वेलित है। एक 24-25 वर्ष की छात्रा कानपुर नगर की ही है ना, उन्होंने बीएड कर रखा था, और PRT से जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली फंदे पर लटक के। ऐसी गतिविधियाँ फिलहाल के दौर में स्वीकार्य नहीं है। आप सभी लोग ऐसे ही अगर कोई मनोव्यथाएं मन में हो तो बिल्कुल भी उसको दरकिनार कर दीजिए, ठीक है ना। हम सभी लोग पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। मेरा कोई अगर देखा जाए तो कोई भी संबंध इस चीज़ से नहीं कि हमको PRT में सम्मिलित किया जाएगा तो PRT में हम भी बैठेंगे,
हमको पीआरटी से कोई लेना ही लादना नहीं है, ठीक है ना। हम अध्यापक हैं, हम उतने में ही खुश हैं, और हम और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जीआईसी लेक्चरर हो जाएं, हम ना एलटी ग्रेड के टीचर हो जाएं, है ना। राजकीय विद्यालयों में वेतन भी ज़्यादा होता है, तो हम और आगे ऊपर जाने की कोशिश, पीआरटी में हम अपने भाई बंधुओं की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आए हैं। और हम लोगों को पूरा यकीन है कि जिस तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, छोड़ा नहीं है अभी तक, और जिस तरीके की सुबगाहट अब चल रही है, क्योंकि बीएड के विद्यार्थियों ने पूरी तरीके से दबाव बना रखा है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? अगर हम लोगों ने प्रयास नहीं किया होता तो अभी तक आप लोगों की संशोधित गाइडलाइन जारी हो जाती और एनसीटीई आप लोगों का कान पकड़ के बाहर कर देता, ठीक है ना। लेकिन बीएड की एकता का प्रदर्शन करना अत्यंत आवश्यक हो गया था, तो आप लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें अब देखने के लिए मिलने वाली हैं। आज जिन आंदोलनों का मैंने नाम लिया है, उन आंदोलनों में क्या कुछ होगा, कितने विद्यार्थी एकत्रित होंगे, क्या रणनीति बनेगी, क्योंकि दिल्ली चलो अभियान है, तो इस रणनीति का साझेदार आप सभी लोगों को भी बनाया जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक लोगों में वीडियोज़ को शेयर किया करिए। बात करते हैं आपके लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग के माध्यम से एपीएस का विज्ञापन जारी किया गया है, और मैंने एज रिलैक्सेशन की बात कही थी कि मतलब एज रिलैक्सेशन हो सकता है मिल जाए, इस पर गहमागहमी चल रही थी, इसीलिए विज्ञापन आपका डिले हो रहा था। मैंने कहा था ना 14-15 तक विज्ञापन आएगा इसका, ठीक है। और जब तक शासन की तरफ से अगर कोई नहीं मिला, क्योंकि इसके बाद आपका आरओआरओ और एलटीजीआईसी का विज्ञापन है ना, तो आरओआरओ एलटीजीआईसी का विज्ञापन आप सभी लोगों का भाई जारी होना, और विज्ञापन को डिले करना का कोई प्रोसेस नहीं था, मतलब कोई पर्पस भी नहीं था। लगातार एज रिलैक्सेशन को लेकर के शासन के पास रिमाइंडर भेजे जा रहे थे, लेकिन शासन ने कोई रिप्लाई नहीं किया, है ना, इसलिए आपका विज्ञापन जारी कर दिया गया। ये चीज़ें, ये जो दंश है, ये हमारे एलटी ग्रेड आर ओ आर ओ जीआईसी लेक्चरर आदि के भाई बहनों को ना मिले, इसके लिए ये मिशन थोड़ा सा तेज करना होगा, और इसमें आप सभी लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता है, ठीक है ना। आप लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आर ओ आर ओ आदि में एक अतिरिक्त अवसर मिल सके, ठीक है ना, पीसीएस आदि में भी छूट मिल सके और एज रिलैक्सेशन मिल सके। पदों की संख्या के बारे में मैंने आप लोगों को जो बताया था, एकदम सटीक इक्विवेलेंट बैठा है उतना पे। मैंने कहा था ना कि 300 पदों पर नहीं, लेकिन 310 से लेकर के 325 पदों पर विज्ञापन आप लोगों का आएगा, और हुआ भी वही है, 328 पदों का विज्ञापन आया है, ठीक है ना, मतलब तीन ज़्यादा, जो बताया था उससे तीन ज़्यादा। इसी तरीके से आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का भी विज्ञापन है, और आर ओ आर ओ का भी है। आर ओ आर ओ में जो लोग बोल रहे थे 181 पद है, हम पहले बोल दिए थे ना 181 पे नहीं आएगा विज्ञापन। अब ये पदों की संख्या तकरीबन बढ़ करके 450-450 के बीच में ये विज्ञापन आएगा आप लोगों का, ठीक है। पद पर्याप्त हैं, और आप सभी लोग अभी से ही आर ओ आर ओ की तैयारियाँ शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर में आप लोगों को आर ओ आर ओ का प्री देना पड़ेगा, और फरवरी में मेंस, ठीक है। बहुत तीव्र गति से ये प्रक्रिया चलेगी आर ओ आर ओ की, तो आप लोग तैयारियों में जुट जाइए। और यदि आप लोगों को हमारे नोट्स लेने हैं या टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से जुड़ करके आपको सफलता प्राप्त करनी है या ची लाभ लेना है, तो आप बेझिझक होकर के 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स आज बुक करने के लिए भी यही व्हाट्सएप नंबर है, 830-32-72-282। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।